अस्सलाम वालेकुम मोजस नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ जो है वो तुर्की से इटली जाते हुए कश्ती जो डूब गई थी उसमें मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो उसमें फ़ौत हो गए थे, और उसमें ज़्यादातर जो तादाद वो बताई जा रही है वो पाकिस्तानियों की है, और इसमें जो तीन जो गुजरात के रिहायशी भी थे, गुजरात और लाला मुसा के दरमियान में गाँव आदोवाल के रिहायशी थे, ये तीन नौजवान जो इस हादसा में जो हैं वो फ़ौत हो गए हैं, और बहुत ही अफसोसनाक खबर है। और ईरान से तुर्की जाते हुए इन्होंने एक वीडियो क्लिप भी अपने अहलो याल को भेजा था कि हम लोग बड़े खुश हैं, और ये आप देख सकते हैं उस वीडियो को। भाईजान अच्छा सब मेहरबानी, हमें बहुत अच्छा बंदा मिला इधर, हमको देखे ना खाना भी मिल रहा, पानी भी मिल रहा, पानी भी बहुत ज्यादा मिल रहा, मेहरबानी आपकी। बात करो जी भाई, बहुत अच्छा खिदमत की है भाई लोगों ने, खाना वाना पानी सब कुछ दिया, अच्छा गाड़ी भेजा है, बिल्कुल अच्छे आया, ड्राइवर बहुत अच्छा था, ड्राइवर बहुत अच्छा था गाड़ी वाला। मोसस नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि बड़े ही मुतमिन नज़र आ रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे जो है वो हमारे साथ क्या होने वाला है। और इन तीनों नौजवानों के जो हैं वो घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं अभी, और लाशें भी इनकी जो हैं अभी तक जो है वो सफारथाना की वजह से कोई जो है वो उनके पाकिस्तान भेजने के अभी तक उन्होंने फ़ाइनल डिसीजन नहीं लिया, और इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। और उनके घर वालों की जो है वो आला हुकाम से अपील है कि उनके प्यारों की जो हैं वो लाशें जल्द अज़ल्द पाकिस्तान लाई जाएँ। यकीनन ये बहुत ही बड़ा सदमा है उनके घर वालों के लिए, अल्लाह ताला इनकी मगफरत फरमाए और इनके घर वालों को जो है वो सब्र अता फरमाए। आमीन।